हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ये कॉस्मेटिक पाउच। आप इसको कॉस्मेटिक पाउच की तरह भी इस्तेमाल कीजिए या तो ट्रैवल किट के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चे स्कूल में भी लेके जा सकते हैं, उनको अगर पेंसिल्स वगैरह रखना है या कुछ क्राफ्ट का आइटम वगैरह रखना है, क्रेयॉन्स रखने हैं, कलर बॉक्सेस रखने हैं, जैसे भी चाहिए वैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें मल्टीपल पॉकेट्स हैं और जिपर है। आइए सीखते हैं। इस पाउच के लिए 10 बाय 15 का एक पीस लिया है क्विल्टेड। फिर अंदर लाइनिंग के लिए ये पॉकेट के लिए लिया है, 9 इंच वाइड है और 11 इंच लंबा है ये। और बाकी के दो पॉकेट्स के लिए ये लिया है 10 बाय 6। इसमें ये 3 पॉकेट्स लगेंगे और साइड पैनल के लिए हमें ये लगेगा। हम लोग ऐसे फोल्ड करके लेने वाले हैं। ये 11 इंचेस लंबाई लिया और ये 3.5 इंचेस चौड़ाई है। और जिप हमको इसमें टोटल 4 जिप लगेंगे। एक जिप हमको 9 इंचेस की लगेगी, दो जिप हमको 10 इंचेस की लगेगी और एक हमें अराउंड 11 टू 12 इंचेस लगेगी। जितना हमको आगे चाहिए लंबा उतना लगेगा, अराउंड 12 इंचेस लगेगी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये पॉकेट बनाते हैं। इसको हम लोग जिप लगा लेंगे। ये 10 बाय 6 इंचेस है, पहले इसको जिप लगाएंगे। देखिए, ये सीधा कपड़ा है, जिप हम इसे उल्टी करके इसको यहाँ पे सिलाई करेंगे। अब इसमें रनर डाल देंगे। ये पीस हम ऊपर से अराउंड 1 इंच नीचे। इसको हमारा जिपर लगा के हो गया है। अभी हम लोग ऊपर से 1 इंच नीचे ये ऐसे रख के इसके ऊपर सिलाई करेंगे एज पे। यहाँ पे देखिए, मैंने सेंटर मार्क कर लिया है। अभी ये पॉकेट मैं ऐसे फोल्ड करके ये जहाँ पे सेंटर है मैं उसी के ऊपर ये सिलाई कर दूंगी। तो ये पॉकेट तैयार हो जाएगा हमारा। मैं इस तरफ भी ये ऐसे वाला पॉकेट लगाना है, लेकिन ये लगाने से पहले मैं यहाँ पीछे से एक लेस लगा लूंगी ऊपर की तरफ। अभी ध्यान रखना है हमको यहाँ नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे लगा देंगे तो ये पॉकेट बंद हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे लगाना है, तो ऊपर से 2 इंच नीचे में अराउंड मार्क करूंगी, 2 इंच 1.5 इंच, या तो फिर आप पीछे के पोर्शन पे बीच में जैसे आपको चाहिए वैसे आप लगा सकते हैं, या तो फिर मैं नीचे से काउंट करूंगी कि मुझे कितना चाहिए। सेंटर से 1.5 इंच तो इसमें जाएगा, बेस में जाएगा मेरे। उसके बाद में 1.5 इंच बेस में जाने के बाद ऊपर आएगा, उसके बाद 1 इंच छोड़ के मैं ऊपर लगाती हूँ। आपको कहाँ जैसे मिडिल में लगाना है, ऊपर लगाना है, जैसे आपको चाहिए आप ऐसे बार लगा सकते हैं। देखिए, तो बेस से 1 इंच ऊपर ऐसे, तो यहाँ पे आएगा ये। थोड़ा सा मैंने ज़्यादा कट किया है ताकि कम ना पड़े। ये लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे पाउच लगाती हूँ। सेम प्रोसीजर है, जैसे यहाँ लगाया वैसे ही यहाँ लगाना है। वैसे ही ये रख के हम लोग
एक इंच नीचे यहाँ पे ऊपर पे सिलाई करूंगी, फिर ये फोल्ड करके यहाँ पे इसी के ऊपर आ जाएगी ये सिलाई, तो मैं ये लगा लेती हूँ। देखिए दोनों तरफ मैंने पॉकेट लग गया है मेरा, मैंने साइड में भी सिलाई कर दी है। देखिए ये जब मैं पर्स इस तरफ से ऐसे पकड़ूंगी तो मुझे इस तरफ का ओपनिंग चाहिए लेफ्ट टू राइट, और जब मैं यहाँ से टर्न करूंगी तो मुझे यहाँ से राइट टू लेफ्ट है। इसके लिए देखिए दोनों का सिरा अपोजिट साइड है और ये लग गया है। अभी हमको बीच का और एक पॉकेट लगाना है। ये पॉकेट लगाना मैंने और एक क्लच में सिखाया है, लेकिन यहाँ पे मैं फिर से एक बार दिखा देती हूँ। ये 9x11 का पीस है जो कि मैं देखिए दोनों यहाँ पे जिप उल्टा रख के यहाँ पे लगा रही हूँ। यहाँ पे एक जिप का दूसरा सिरा हमको लगाना है, इस तरफ रखना है, ये लगा देती हूँ। इसमें हम रनर डाल देंगे। जब भी हम दाब सिलाई के लिए ये खोलते हैं तब क्या करने का, एक बार रनर डाल के पूरी तरह से बाहर निकाल लेने का, ताकि ये एंड ठीक से हमको क्लोज कर पाए हम, और उसके बाद फिर से ये रनर डालना है अंदर। मेरा रनर भी काफी कैमरा कॉन्शियस है तो कैमरा के सामने नहीं डरता है। अब ये साइड में हम सिलाई कर देंगे कि ऐसे एज पे नहीं सिलाई होती है, क्योंकि ये है तो सुई टूट जाएगी, तो हम लोग एक तरफ से कम ज्यादा रख के पॉकेट बन गया। अभी हम लोग ने ये पीस जो काटा है 3.5x11 inches, तो हमको ये जस्ट फोल्ड करना है। ये देखिए सीधा सीधा मैंने फोल्ड किया है और इसको जस्ट वो हिले नहीं करके मैं साइड में सिलाई कर रही हूँ। जो सिंगल पीस में रखूंगी तो एकदम ही पतला हो जाएगा, इसके लिए मैं ये डबल फोल्ड करके रख रही हूँ। हमें ये क्या करना है, इसको सेंटर में से हम ऐसा फोल्ड कर देंगे लंबाई में, देखिए ऐसे फोल्ड कर दिया हमने और इसको बीच में रख दिया उसे। इसी तरह से इस तरफ भी कर दूंगी। ये दोनों तरफ से लगा के हो गया है, अभी बस यहाँ पे सेंटर पे मुझे अटैच करना है। सेम डिस्टेंस पे रख दूंगी मैं जितना है वो, और यहाँ पे इसी सिलाई के ऊपर मैं सिलाई करूंगी, तो थोड़ा सा ये आगे ले लूंगी। बस सिलाई करते वक्त ये देखना है कि इस दोनों का एंड सिलाई के अंदर नहीं आना है हमको, क्योंकि ये हमको साइड में हम लगाएंगे। अभी ये साइड बेस की जैसे हम लोग इधर अटैच करेंगे ना, वैसे करके। इसको सेंटर पे रख के खींच के आगे तक, यहाँ पे भी डबल सिलाई की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी पाइपिंग सिलाई आएगी, और यहाँ पे हम लोग
कितना डिस्टेंस से देख लेंगे और उसी हिसाब से ये यहाँ पे लगा लेंगे। देखिए जितना डिस्टेंस है उसी डिस्टेंस पे ये रख के ये यहाँ पे फिक्स कर देंगे। आपको अगर डाउट हो, देखिए आधा इंच से एक सूत ज़्यादा है, आधा इंच से एक सूत यहाँ पे भी हम मार्क कर देंगे। देखिए फोल्डेड साइड मैंने ऊपर रखा है ये। ये लग गया है हमारा। अभी इसी इसमें हम लोग को यहाँ पे भी लगाना है, वो लगाती हूँ, उसके बाद में हमको ऊपर का एक जिप लगाना है। ये अभी हम लोग ने क्या किया है, यहाँ पे सिलाई किया, इसके लिए ये दो अलग अलग सेक्शन मिले हमको। रेडीमेड में क्या होता है, ये सिलाई नहीं होता बीच में, ये जस्ट ऊपर वो लोग ट्रिल्टिंग रखते हैं, जिसकी वजह से हम लोग का यहाँ का सामान वहाँ पे नीचे से निकल जाता है। तो इसके लिए हम लोग ने ये पूरा पैक कर दिया है। तो यहाँ पे भी ये सामान मिल गया हमको, यहाँ पे मिल गया, और ये तीन पॉकेट्स यानी टोटल पांच पॉकेट्स इसमें मिले। तो इसमें हमारा कॉस्मेटिक का सामान भी बहुत ज़्यादा आ जाएगा। देखिए इतना सारा सामान आ गया। अभी तो मैं ये साइड का भी लगा लेती हूँ और ऊपर का बाद में जिप आपको दिखा देती हूँ। ये वैसे भी मैंने और एक क्लच में दिखाया है, लेकिन इसमें मैं फिर एक बार दिखा दूंगी। ये लेस किस तरफ है, इसका मतलब ये फ्रंट साइड है, और ये देखिए इसका सिरा भी ये साइड है, इसका सिरा भी ये साइड है, तो एंडिंग का भी इधर ही आएगा। इसके लिए यहाँ का पाइपिंग मैं पहले करूँगी कि यहाँ का ओपनिंग होगा, यहाँ से जाके लेफ्ट टू राइट ओपन होगा वो। इसके लिए यहाँ पे मुझे पहले पाइपिंग करना है। इसका पाइपिंग जिप लगने के बाद वाला होगा, दोनों का एक ही साथ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जिप लॉक करना है हमको। इसके लिए इसका पाइपिंग बाद में होगा, यहाँ पे जिप का एंड आने वाला है। तो यहाँ पे अंदर से रख के इसके ऊपर मैं रखूँगी यहाँ पे, और बाहर की तरफ यहाँ पे रख के पूरा सिलाई करूँगी यहाँ पे तीन साइड पे, और बाद में ये बाहर की ओर फोल्ड करके यहाँ पे पाइपिंग आएगा। तो मैं अभी पाइपिंग कर रही हूँ। इसका भी मैंने दूसरे इसमें दिखा दिया है, क्लच में पाइपिंग बहुत बार दिखा चुकी हूँ। ये देखिए ये लगने के बाद यहाँ पे जहाँ टर्निंग है ना, वहाँ पे ये चौकोन के कोने हैं वो काट देने हैं, और ये आर्क आता है वहाँ पे जस्ट हम लोग थोड़ा सा कट लगा देंगे, ताकि ये टर्निंग करते वक्त हमको आसानी हो। ये देखिए ये कोना जो है वो काट देती हूँ मैं, और ये आर्क पे मैं जस्ट थोड़ा सा कट लगा देती हूँ, ताकि सिलाई नहीं कट हो, बस ये टर्निंग के वक्त वो आसानी हो मुझे। अब जब फोल्ड करना है तो हम लोग इस तरह से खोल के एक बार रख देंगे, उसके ऊपर एक बार ऐसे आके फिर से सिलाई करेंगे। अभी इसके ऊपर मैं ये धागे से सिलाई करूंगी तो दिखाई देगा, इसके लिए मैं इसके ऊपर इसी का मैचिंग धागा लगा दूंगी, ताकि यहाँ पे ना दिखाई दे। इस तरफ का देखिए सारा हमारा क्लीन पाइपिंग हो गया है। अभी हमको जिप लगाना है पहले। यहाँ पे देखिए पाइपिंग मेरा बाकी है, ऊपर का पाइपिंग भी बाकी है। उससे पहले ये देखिए ये अराउंड 12 इंच का मैंने काटा है, तो ये यहाँ पे ऐसे ही लगाना है। नॉर्मली हम लोग सीधे कपड़े पर उल्टा लगा देते हैं, लेकिन इसको ऐसा नहीं लगाना है, ये अंदर से ही लगा रही हूँ। ये उल्टा ही कपड़ा है, उल्टा ही कपड़े पर ये सीधा ऐसे रख रही हूँ। ये देखिए ऊपर की दिशा में ये सीधा है, तो ये यहाँ से एंड से शुरू करूँगी, और यहाँ पर जहाँ तक होता है वहाँ पर सिलाई कर दूँगी, बाकी का ऐसे ही छोड़ दूँगी। इस बार मैं थोड़ा सा ऊपर से एक सूत भर थोड़ा सा नीचे ले रही हूँ, क्योंकि पाइपिंग के वक्त फिर वो बहुत नज़दीक हो जाता है जिपर के लिए, इसके लिए थोड़ा सा नीचे छोड़ रही हूँ। ये बाकी का इस तरफ लगाना है, इस तरफ लगाते वक्त मैं ये खोल दूंगी जिप।
मैं उस तरफ से लगाऊंगी तो मुझे दिखाई नहीं देगा ये नीचे रखने के लिए, तो मैं पिनअप करके लगा दूंगी अभी, क्योंकि जो थोड़ा सा नीचे छोड़ना है ऊपर की तरफ से मुझे दिखाई नहीं देगा। दोनों तरफ हमारी जिप लग गई है, अभी हमको यहाँ पे पाइपिंग लगानी है। तो पाइपिंग मैंने लंबी सी काट ली है, देखिए ये यहाँ पे एंड तक, यहाँ से नहीं शुरू कर रहे हम लोग। देखिए यहाँ से शुरू हुआ है हमारा जिप और यहाँ पे एंड हुआ है। ठीक है, ये सीधा पीस है और ये सीधा पीस है, दोनों सीधे पीस साथ में रखे हैं और अभी हमको पाइपिंग के लिए सिलाई करनी है। ये इस तरफ इतनी ही पाइपिंग लगी मुझे, वो मैंने काट ली और अभी ये फोल्ड कर लिया। यहाँ पे हमको भी फोल्ड करना है, हमेशा की जैसे इसको इतना रखना है, ऊपर से डबल सिलाई करके इसके ऊपर रख देना है। और हमेशा सिलाई के ऊपर ही हम लोग सिलाई लाते हैं ताकि अंदर की सिलाई सारी छुप जाए। ये हमारा पाइपिंग आ गया, अभी ऐसा ही मैं इस तरफ भी करूंगी। वो तो करने के बाद यहाँ पे हमको रनर डाल के यहाँ पे क्लोज करना है और सबसे आखिर में हम लोग यहाँ पे पैक करेंगे। ऊपर का पाइपिंग होने से पहले ये साइड का पाइपिंग हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हमको ये जिप क्लोज करना है। देखिए ये जो ओपनिंग है यहाँ से, वरना रनर बाहर निकल जाएगा। ये दोनों जिपर के ऊपर हमारा पाइपिंग हो गया है, अभी देखिए यहाँ का भी हो गया, यहाँ का भी हो गया। अभी ये पाइपिंग हम लोग फिनिश करते हैं ताकि रनर बाहर ना निकले, उसके बाद में रनर डालेंगे। ये भी अंदर से बाहर की ओर, जैसे वहाँ लगाया था वैसे ही यहाँ, लेकिन अभी यहाँ पे हमको टोटल फिनिशिंग करना है। इसके लिए ये एक्स्ट्रा हम लोग कट करते हैं क्योंकि बाद में वो रॉ एजेस रहना नहीं चाहिए, इसके लिए ये इससे ज़्यादा हम लोग ऊपर रखते हैं ताकि वो फोल्डिंग हमको मिल सके। देखिए ये मैं इससे पीछे डाल दूंगी ऐसे, और ये और जब हम लोग पाइपिंग की सिलाई करेंगे, देखिए ऐसे खोल देंगे, देखिए ये हमारा क्लीन ये हो गया है। देखिए दोनों दोनों तरफ से देखिए, देखिए इसके लिए हम लोग ने वो उल्टी तरफ फोल्ड किया था, ये देखिए, ताकि यहाँ पे अभी रॉ एज नहीं होंगे, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे कोई पाइपिंग नहीं है ऊपर का क्लोज करने के लिए, इसलिए हम लोग पहले ये करते हैं। अभी ये ऐसे करके इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। बाकी का सारा काम हो चुका है हमारा, अब ये बस लास्ट रनर और एक टैब लगाना, इतना ही काम बचा है। रनर डाल दिया, ये देखिए इस यहाँ हम लोग ने पैक किया, इसकी वजह से अभी रनर बाहर नहीं आएगा। अभी बस इसको टैब लगाना है, ये देखिए ये अराउंड 2.5 इंच का मैंने काटा है, इसको ऐसे रख के देखिए जैसे मैंने पाइपिंग के लिए जैसे फोल्ड किया था वैसे यहाँ पे भी फोल्ड करूँगी और यहाँ से भी फोल्ड करूँगी और इसके ऊपर एक सिलाई करूँगी। देखिए अभी ये बंद करने का टाइम, ये देखिए अभी मैंने जैसे ये खोल दिया है, देखिए अपने आप साइड में मुझे ये क्लीन पैकिंग आ गया। इसको सेंटर पे करके एक बार फोल्ड करना, फिर दूसरी बार फोल्ड करना है और इस पर 2-3 बार हम सिलाई करेंगे। हो गया है, पूरा बड़ा सा पॉकेट है, ये बीच का पॉकेट है,
ये इतना बड़ा सेक्शन है, ये इतना बड़ा सेक्शन है, और जैसे ये चाहिए ये देखिए इतना बड़ा, उसमें आपका काफ़ी सारा सामान रह जाएगा। दिखने में भी एकदम सुंदर दिखता है और कैरी करने को भी कन्वीनियंट है। साइड का हम लोग ने बेस दिया इसके लिए, इसको कैपेसिटी भी बढ़ गया। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा, और आपको कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। आपको अगर और भी कोई क्वेरी है या कोई सजेशंस है तो आप मेरे FB पेज पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू।